नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल पर। स्टूडेंट्स, एसएससी एमटीएस 2016 का एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा धांधली और करप्शन देखने को मिला है, चाहे वो एग्जाम के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस तक हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी डिटेलिंग एसएससी एमटीएस के अंदर कहां कहां हुई धांधली और कहां कहां हुआ करप्शन, और क्या कोई कोर्ट केस हो सकता है एसएससी एमटीएस में नियर फ्यूचर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करते हैं स्टूडेंट्स भर्ती प्रक्रिया की। तो सबसे पहला नोटिस जो एसएससी एमटीएस का आया था वो आया था 2016 में, जिसके अनुसार एमटीएस की भर्ती कराई जानी थी, जिसमें 8300 पोस्टों के लिए ये भर्ती कराई जाना अनिवार्य किया गया। इसके बाद जब भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो एसएससी ने जून और जुलाई के महीने में इसका पेपर लेने का प्रयास किया, लेकिन पेपर में लीक हुआ और इसकी वजह से पूरा पेपर कैंसिल कर दिया गया। स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा एसएससी के अंदर ये लीक के मामले देखे जाते हैं, कई जगह पे ये मामले उजागर हो जाते हैं तो वहां पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर चीटिंग होती है लेकिन एसएससी को उसके बारे में पता नहीं चल पाता, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो मेरिट में आने वाले बच्चे हैं वो सिलेक्शन नहीं ले पाते और चीटिंग करने वाले बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एसएससी का जो पेपर हुआ था एमटीएस का, वहां पर पेपर लीक बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ और वहां पर प्रूफ भी मिले, इसी की वजह से एसएससी को ये पेपर पूरी तरीके से कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद एसएससी ने एक नोटिस जारी किया कि वो सितंबर माह के अंदर वापस से ऑनलाइन एग्जाम लेगा, जिससे कि चीटिंग काफी कम होगी। बच्चों ने उनकी इस बात पे विश्वास किया और निश्चित समय पर एग्जाम भी लिया गया। बात करते हैं एग्जाम्स की, लेकिन वहां पर भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखी गई। कई सेंटर्स पे, कई लैब्स के ऊपर ऐसे वीडियोस सामने आए जिसके अंदर ये बताया गया कि यहाँ पर चीटिंग हुई, और एक सेंटर की वीडियो भी सामने आई थी जिसमें सेंटर के जो मालिक थे उन्होंने ये बोला कि एसएससी ऑफिशियल्स ही इस करप्शन में इन्वॉल्व है, उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ पर ये चीटिंग करवाइए। तो ये चीजें बताई गई एग्जाम्स के कंडक्ट होने में, जब ये एग्जाम कंडक्ट हुए सितंबर मंथ के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट्स 31 अक्टूबर को ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई, एग्जाम्स को ले लिया गया और बच्चे रिजल्ट का वेट करने लगे। इसके बाद 20 नवंबर को आंसर शीट जारी करी गई बच्चों की, और उसके अनुसार बच्चों ने अपने आंसर्स को कैलकुलेट किया, और 15 जनवरी रखी गई एग्जाम के रिजल्ट की तारीख, यानी कि 15 जनवरी 2018 को रिजल्ट आना तय हुआ एसएससी एमटीएस 2016 का। नाउ स्टूडेंट्स, समय पर रिजल्ट आ गया, 15 जनवरी 2018 को रिजल्ट देना तय हुआ था, और रिजल्ट आने के बाद 28 जनवरी 2018 को इन्होंने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की परीक्षा भी ले ली। ये यहां तक तो सब कुछ सही रहा, क्योंकि 28 जनवरी को तय हुआ था, वो 15 से 16 दिन का टाइम दिया गया, और 13 दिन का टाइम था डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, और इसी के भीतर में ही एडमिट कार्ड रिलीज करके एसएससी ने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम करा लिया। यहां तक तो सब कुछ सही था, लोगों को लगा कि एसएससी अपने शेड्यूल पे आ चुका है, एसएससी ने कोई भी इस बार गलती नहीं की है और बहुत ही शेड्यूल वाइज अपना काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही बाहर आए एग्जाम सेंटर से स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र की फोटो वायरल हो गई, और ये देखकर फिर से वही कटघरे में खड़ी हो गई एसएससी जहां पर वो पहले थी, चीटिंग चीटिंग चीटिंग, क्योंकि एसएससी के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के अंदर भी कोई मोबाइल अलाउड नहीं होता है, वहां पर बच्चे फोटोज कैसे निकाल पाए। तो इसका साफ साफ मतलब है कि एग्जाम सेंटर में फोटो निकालने का मतलब है कि मोबाइल्स गए हैं एग्जाम सेंटर में, चाहे वो एसएससी के केयरलेसनेस की वजह से हो या फिर हो करप्शन की वजह से, लेकिन एग्जाम सेंटर के अंदर मोबाइल गए थे। तो क्या मतलब रह गया डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम यहां पर बहुत ही निर्णायक रोल प्ले कर रहा था, जैसा कि हमने पिछले एमटीएस 2014 में देखा था, 80% गई थी कट ऑफ, और उसकी वजह से ही जो हाई मेरिट कैंडिडेट्स थे वो भी बाहर हो गए थे। लेकिन इस एग्जाम में एसएससी ने सब कुछ पूरा उल्टा कर दिया। पूरा उल्टा किस प्रकार कर दिया मैं आपको बताऊंगा आगे। सो स्टूडेंट्स, बात यहीं समाप्त नहीं होती है, इसके बारे में हम और बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये चीजें यहीं खत्म नहीं हुई, इसके बाद फेक कॉल्स का सिलसिला चालू हुआ, और स्टूडेंट्स को फेक कॉल करी गई, मतलब कि अपरिचित नंबर से उनके मोबाइल्स पे फोन किया गया और उनसे बोला गया कि आपके एक या दो नंबर कम है कट ऑफ से, अगर आप हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा देंगे तो हम आपके एक दो नंबर बढ़ा देंगे, हमें ये ड्यूटी दी गई है कि हम इन नंबर्स को नेट पे चढ़ाएं, और अगर आप 10 से 20 हज़ार रुपये हमारे अकाउंट में जमा कराते हैं तो हम आपके मार्क्स को बढ़ा देंगे। ऐसी कॉल्स की रिकॉर्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पास भी भेजी, और उन्होंने बताया कि सर इसके ऊपर भी वीडियो बनाइए। उस समय मैंने इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन स्टूडेंट्स ये भी बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि एसएससी के पास डाटा होता है हमारा
फादर का, उसके साथ मोबाइल नंबर, उसके साथ साथ हमने क्या लेटर लिखा है, किस टॉपिक पे लिखा है, ये चीजें उन लोगों को कैसे पता चली। सो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है एसएससी के कॉन्फिडेंशियलिटी पर और उसकी सिक्योरिटी के ऊपर। इन कॉल्स की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स से पैसे की मांग की गई और बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई भी डर जाएगा ऐसे चीजों के ऊपर, क्योंकि अगर आपसे कोई बोले कि आप आने वाले एग्जाम जिसके ऊपर आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं निकाल पाते, चार पांच पेपर उनका एक ही पेपर निकलता है, और जिनका वो पेपर निकला और कोई आपको ये बोल दे कि आपके एक दो नंबर कम है, तो कोई भी आराम से आपको 10 से 20 हजार रुपए दे देगा, बोल देगा कि ठीक है आप ले लीजिए, आप हमारे नंबर बढ़ा दीजिए। तो ये करप्शन का एक पार्ट है, ऐसी फेक कॉल्स पे आपको कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग हो। तो मैं आपको आगे भी ये सलाह दूंगा कि ऐसी फेक कॉल्स के ऊपर कभी भी भरोसा मत कीजिएगा, ये फेक लोग होते हैं, ऐसा नहीं होता है, और ये बस आपके इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और आपसे उस चीज का मिसयूज उठाते हैं और आपसे उसका फायदा उठाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जैसे ही एसएससी को ये पता चला तो एसएससी ने इसके खिलाफ एक नोटिस निकाल दिया कि आप इस चीज कॉल्स के ऊपर ध्यान ना दें और इसे ज्यादा सीरियसली ना लें। और इसके बाद सब स्टूडेंट्स को लगा कि एसएससी इस बार भी पेपर में पूरी तरीके से चीटिंग को खत्म नहीं करवा पाई है। और बाद में क्या हुआ, रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स 160,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया। मैं तो अभी तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि इतने बच्चों को आखिर शॉर्टलिस्ट क्यों किया गया, क्योंकि जब आपको 10,000 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट लेना है तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने 160,000 स्टूडेंट्स को बुलाया। इसका साफ साफ ये मतलब होता है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन जब 21 फरवरी 2018 को अचानक एक नोटिस आता है कि 25 फरवरी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है, तो सबकी हालत खराब हो जाती है। जितने लोगों ने अभी तक एसएससी एमटीएस दिया था सबकी हालत खराब हो गई, सबको लगा कि ये कैसे हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की कॉपी चेक करने से पहले करा दिया जाए। लेकिन ये तो एसएससी है, ये कुछ भी करा सकती है। जब स्टूडेंट्स खुश थे क्योंकि उन्हें लगा कि एसएससी इस बार जल्दी से काम कर रही है, शायद इसी वजह से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। पर रात पर जैसे ही रिजल्ट आया सबकी उम्मीदें टूट गई, क्योंकि रिजल्ट के अंदर कुछ अलग ही सबको देखने को मिला। रिजल्ट के अंदर ये बताया गया कि आपके जो डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम के पेपर हैं वो अभी तक चेक नहीं हुए हैं और हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दे रहे हैं क्योंकि हम काम को बहुत जल्दी करना चाहते हैं। ये तो बहुत गलत बात थी एसएससी की, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिन खराब हुआ, बहुत मेहनत करी स्टूडेंट्स ने उस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को देने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगा बेशक हम कट ऑफ में कम है लेकिन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इसके अंदर। और जैसे पिछले साल करा गया था 2014 में, जिसके अंदर कट ऑफ 40% गई थी, अगर हम डिस्क्रिप्टिव अच्छा दे दें तो क्या पता कम नंबर की वजह से होने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन हो जाए क्योंकि हम डिस्क्रिप्टिव पेपर अच्छा देकर आएंगे। लेकिन इस नोटिस ने सबकी उम्मीदें उड़ा दी, जैसे ही रिजल्ट आया सबकी उम्मीदें टूट गई। जो 22-23 हजार बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए वो प्योरली हो गए टीयर वन की मेरिट के ऊपर। तो सेकेंड पेपर जो 28 जनवरी 2018 को हुआ था उसको महज एक औपचारिकता मानकर रिजल्ट को घोषित किया गया, उसका कोई वजूद ही नहीं रहा। जब आपको टीयर टू की इतनी जरूरत थी ही नहीं तो आपने 160,000 बच्चे लिए क्यों? अगर आपको टीयर वन की मेरिट के ऊपर ही सिलेक्शन करना था तो आपने इतने बच्चे लिए क्यों? उस पेपर की आंसर शीट अभी चेक नहीं हुई थी और उसके बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी कर दी। ये तो बहुत ही गलत था एसएससी का डिसीजन। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना था और जब 15 जनवरी 2018 को रिजल्ट के समय ही करवा देना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट्स इतने स्टूडेंट्स तो उनको आप 50,000 या 40,000 में ही मिल जाते जो कि टॉप 10,000 में आए, तो आपने इतना लंबा प्रोसीजर क्यों किया? लोगों बच्चों को खुश करने के लिए उन्होंने 160,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट तो कर दिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे जाकर इस चीज को टैकल कैसे कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो इस एमटीएस एग्जाम से उजागर होते हैं। जब सिलेक्शन टीयर वन के बेस पर होना था तो 159,000 स्टूडेंट्स को आखिर पास क्यों किया गया? सरकार का इतना पैसा क्यों खर्च किया गया डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स को लेने में? क्योंकि स्टूडेंट्स एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को कंडक्ट कराने में बहुत पैसा खर्च होता है सरकार का, इसीलिए बच्चे कम शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 160,000 के तकरीबन बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को कंडक्ट कराया गया, तो इतना पैसा खर्च क्यों कराया एसएससी ने? इसके बाद अगर आपको इतने बच्चों में से ही लेना था तो आपने स्टूडेंट्स का इतना समय क्यों बर्बाद किया? एसएससी ने बिना टीयर टू के रिजल्ट के आए ये कैसे मान लिया कि जो ये स्टूडेंट्स इन्होंने लिए हैं ये सारे निर्धारित कट ऑफ के ऊपर ही हैं? ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके साथ साथ इस लिस्ट में वो कैंडिडेट भी शामिल हैं जो टीयर टू में बैठे ही नहीं है। जानते हैं स्टूडेंट्स जो इन्होंने अपीयरिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट बताई थी उसके अंदर 11,000 कैंडिडेट ऐसे थे
जो कि एग्जाम नहीं दिए थे एसएससी एमटीएस के 11,000 कैंडिडेट्स में से, मान लिया जाए कि जो हायर कैंडिडेट्स होंगे वो कहीं शॉर्टलिस्ट हुए होंगे, तो उन्होंने इस एग्जाम को नहीं दिया। कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स तो एग्जाम को देते ही देते हैं, क्योंकि उनके थोड़े चांस बनते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम इस बार सोचा गया था कि बहुत ही ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। सो ज्यादा हायर मार्क्स वाले स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दिए होंगे, तो उसमें से अगर 2-3 हजार स्टूडेंट्स को मिलाया जाए तो अभी भी लिस्ट के अंदर 2-3 हजार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कहीं भी टीयर टू नहीं दिया है, जिन्होंने जो कि एलिजिबल भी नहीं है उनको भी इस लिस्ट के अंदर जगह दी गई है, और जिन्होंने बहुत मेहनत की और इस एग्जाम को बहुत ही मेहनत से दिया उन्हें बाहर कर दिया गया है। इसके साथ साथ यह भर्ती 2016 से पेंडिंग है, इसमें वो भी कैंडिडेट हैं जो अब तक दूसरी एसएससी की भर्तियों में सेलेक्ट हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, इतनी कम बच्चों को क्यों शॉर्टलिस्ट किया गया? अगर उनको शॉर्टलिस्ट करना था तो ज्यादा बच्चे शॉर्टलिस्ट करते, जिससे कि एक उम्मीद बनती कि, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स यहां से उनको बच्चे नहीं मिले तो ये चली जाएंगी बैकलॉग वैकेंसीज में, और बैकलॉग वैकेंसीज एड अप होंगी 2018 के एमटीएस के एग्जाम में, और इसके लिए दोबारा से कोई रिवाइज कट ऑफ नहीं लाता है एसएससी, तो ये वैकेंसी चली जाएंगी बैकलॉग में। तो आपने इतने कम बच्चे शॉर्टलिस्ट क्यों किए, जब आपको आप जानते हैं कि इसमें टीयर टू के बच्चे भी ऐसे इन्वॉल्व हैं जो कि टीयर टू नहीं दिया है जिन्होंने, कई बच्चे ऐसे हैं जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, कई रिजल्ट आ चुके हैं, तो आपने इतने कम बच्चे शॉर्टलिस्ट क्यों किए और टीयर टू को मान्यता क्यों नहीं दी? अब स्टूडेंट्स बात करते हैं केस की। स्टूडेंट, सुनने में आ रहा है कि एसएससी एमटीएस एस्पिरेंट्स गैदर हुए हैं और वो फाइल करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2016 के खिलाफ एक केस, लेकिन अभी तक इसकी ऑथेंटिकेशन प्रूफ नहीं हुई है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर इसकी बात चल रही है कि हाँ जो कुछ बच्चे हैं जो कि जा रहे हैं मंडे को केस फाइल करने, लेकिन इसकी ऑथेंटिकेशन आपको मंडे को पता चलेगी कि ये केस फाइल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो स्टूडेंट्स मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ग्रुप बनाइए और एमटीएस के खिलाफ केस करिए, क्योंकि ये आपका राइट है। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए कोई दूसरा आपके लिए खड़ा नहीं होगा। तो अगर आपको एमटीएस 2016 के ऊपर केस करना है तो गैदर होइए और इस धांधली के खिलाफ आवाज उठाइए। एमटीएस के रिगार्डिंग रवीश सर ने भी एक वीडियो डाला हुआ है अभी एनडीटीवी के ऊपर, और देखते हैं एसएससी का इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके, और अगर ये चीजें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।